अजमेर शहर की पावन धरा पर अगर अजमेर का निवासी सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, तो बाहर के आने वाले जायरीन और मेहमान किस तरह से सुरक्षित रह पाएंगे। ये परेशानी कई दिनों से चल रही है, करीबन 15 से 20 दिन हो गए। रात में जेसीबी से रोड खोद दिए जाते हैं और दिनों महीनों तक रोडों की रिपेयरिंग नहीं होती। स्मार्ट सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी अजमेर की सड़कों के, अजमेर के डिवाइडरों की, साइड की, ब्रिज की यह हालत हो रही है कि देखने में किसी गांव ग्राम पंचायत की हालत होती है वैसी। और साथ ही साथ मेन मुख्य जयपुर रोड, वीआईपी रोड, जिसमें से कई नेता निकलते हैं, कई वीआईपीज निकलते हैं, इस रोड के अंदर रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, पेच वर्क नहीं हो पा रहा है। जब स्मार्ट सिटी के अविनाश शर्मा जी से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हम कर देंगे। देखिए, जीरे में, मतलब आटे में नमक दुनिया मिलाती है, ये नमक में आटा मिलाते हैं। कुछ दिन मेरी शिकायत पर इन्हें रिपेयरिंग जरूर करी, रिपेयरिंग में इन्हें क्या किया, मिट्टी और कंक्रीट डालकर सोफिया कॉलेज के बाहर 2000 बालिकाएं हमारे कॉलेज में हैं और 2000 स्कूल में बालिकाएं हैं। वो मेन रोड चलता हुआ है, उस पर मेरी आंखों के सामने सिविल लाइन थाने के वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, एक महिला को जयपुर भिजवाया जो कि अभी भी सीरियस है। और एक आज हमारे जैसा युवा इनफील्ड बाइक पर करीबन 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, करीबन वो 100 मीटर उसके बाइक के साथ घिसता हुआ गया है। कारण क्या रहा, ये घटिया सड़कें। अगर इंजीनियर प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रबंधन ध्यान दे सड़कों पर तो अजमेर शहर की कायाकल्प हो सकती है, मगर यहाँ इस तरह का काम हो रहा है कि यहाँ ना तो सड़कें सुधर रही हैं, और इनकी मर्जी होगी ना तो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इनकी मर्जी होती है जहाँ से रोड बनाना चालू कर देते हैं, जहाँ मर्जी होती है। और हमारा यही कहना है, हमारा यही कहना है, अगर इस रोड को अभी निरस्त रिपेयर नहीं किया गया और रिपेयरिंग नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे बैठे रहेंगे। जिस तरह से किसी घर का चिराग बुझ सकता है, तो हम नहीं होने देंगे ऐसा। नाम नरेंद्र तुनवाल, नगर निगम पार्षद, वार्ड 62।